Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we are going to start chapter number 3. It's a coordinate geometry and this video is the introduction part of this chapter. So, chaliye start karte hain. What is a coordinate geometry? It's an important branch of mathematics where position of any object lying in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines. अब सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की एक प्लेन के अंदर प्लेन मींस टू डायमेंशनल है ना तो उस प्लेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें फाइंड आउट करना है ना. अब देखिए लेट सपोज सॉरी लेट सपोज दिस इज अ ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है एंड मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड इफ आई आस्क्ड यू To find the position of this circle, so if you say, ma'am, top से पास में है, border से दूर है ना, right side से approximately 10 centimeter है, so this is not a appropriate method to locate any object. Okay, so with the help of coordinate geometry, हम object की position को find out कर सकते हैं. Cartesian system क्या है? It is a system for describing the position of a point in a plane. Again, same thing. A point is located by referring to two perpendicular lines in a Cartesian system. अब देखिए यहाँ पे ये एक plane है, ठीक है? इसमें देखिए दो lines draw की हुई हैं. एक x dash x है और दूसरी y y dash है ना? और ये दोनों lines के आपस में perpendicular हैं. तो इनकी help से हम object की position को find out करते हैं. Okay? तो ये जो ये वाली horizontal line है x x dash है ना? इसको बोलते हैं दिस इज योर एक्स एक्स डैश एंड ये वर्टिकल लाइन क्या है वाई वाई डैश है. ओके नेक्स्ट ओरिजिन ओरिजिन इंडिकेटेड बाय द लेटर ओ इज द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट. अब देखिए ये प्लेन के अंदर हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है जो हम पढ़ चुके हैं एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश है. अब ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे है ना सो दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन. जैसे हम नंबर लाइन पढ़ चुके हैं लेट सपोज ये क्या है जीरो है एंड इसके राइट साइड में हमारे पास मैं वन यूनिट डिस्टेंस लेके चल रही हूँ वन टू थ्री इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स है और इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे नेगेटिव नंबर्स होंगे माइनस वन माइनस टू है ना इस तरह से. सिमिलरली ये वाई एक्सिस है यहाँ पे ऊपर वाली साइड क्या होंगे प्लस पॉइंट्स होंगे वन टू एंड सो ऑन एंड नीचे क्या होंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लाइक दिस. ओके और ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें ये क्या है ओरिजिन है जहाँ पे दोनों लाइंस क्या है इंटरसेक्ट करती हैं. ओके नाउ दिस ओ एक्स ये वाला ओ एक्स क्या है एंड ओ वाई ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है. देखिए यहाँ पे जीरो वन टू थ्री नंबर्स क्या है पॉजिटिव होते हैं और ऊपर वाली साइड ये ओ एक्स जो है ओ वाई है ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं. एंड नाउ सी ओ एक्स डैश तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो ओ एक्स क्या है नेगेटिव डायरेक्शन है ये नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे लिखते हैं. सिमिलरली ओ वाई डैश यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं. ओके नेक्स्ट है क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं एंड क्वाड्रिनेट्स क्या होते हैं. अ प्लेन इज डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शन बाय द एक्स एंड वाई एक्सिस. The quadrants 1/4 sections are numbered 1, 2, 3 and 4 in anti-clockwise order from OX. देखिए हमने इन्होंने क्या बोला हुआ है ये एक प्लेन है प्लेन को डिवाइड किया जाता है चार सेक्शन में सो ईच ब्लॉक देर आर हाउ मेनी ब्लॉक्स फोर ब्लॉक्स तो ये 1/4 सेक्शन है ना तो 1/4 सेक्शंस हैं इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है क्लॉक हमारा इस तरह से चलता है ना. और देखिए वन टू थ्री फोर तो हमने इसको इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाया तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होते हैं. क्वारिनेट्स क्या है दीज आर अ सेट ऑफ वैल्यूज विच हेल्प्स टू शो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन द क्वारिनेट प्लेन. अब क्वारिनेट्स क्या होते हैं अब हम काफ़ी एग्जांपल्स करेंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. कोऑर्डिनेट सेट ऑफ वैल्यूज हैं जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी और इन वैल्यूज की हेल्प से हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलेगी. ठीक
ठीक है, अभी तक अगर आपको नहीं भी समझ आया है, इट्स टोटली फाइन। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनी है। ओके, सो ये वाली क्या है? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज योर ओरिजिन ओ। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। सिमिलरली ओ वाई ऊपर, ये क्या है? पॉजिटिव पॉइंट्स है वाई एक्सिस पे। ओ वाई डैश लगा लीजिए यहाँ पे, ये क्या है? नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट्स है। नाउ सी, दिस इज द क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेंट वन प्लस प्लस। अब प्लस प्लस का क्या मतलब है? एक्चुअली जब हम क्वाड्रिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेंट तो ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है, क्वाड्रिनेट्स वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एक्स है, वाई है, ठीक है, तो ये क्वाड्रिनेट्स इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस के क्वाड्रिनेट्स लिखते हैं हमेशा पहले हम, उसके बाद वाई एक्सिस के क्वाड्रिनेट्स लिखते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट वन जो है यहाँ, ये प्लस प्लस है। प्लस मीन्स मैंने बताया आपको ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से पहले, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं 0, 2, 4, 8, ये क्या है? ओनली पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। अब ये भी वाई भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई ये? क्योंकि ये के पॉइंट्स हैं वाई के 2, 4, 6, 8, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट वन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? प्लस प्लस। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस क्यों है? अब देखिए इधर वाली साइड ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है? माइनस में है, तो नेगेटिव होती है एक्स एक्सिस। एंड ये प्लस मीन्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये तो प्लस ही है अभी भी इस क्वाड्रेंट में। ये तो नहीं पढ़ रहे हैं हमारे पास, ये वाले वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये प्लस है, तो इसीलिए माइनस एंड प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ लेट्स कम टू द क्वाड्रेंट नंबर थ्री। इसमें दोनों नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव है ये देखिए, ये किस में लाई कर रहा है? इसमें नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और नेगेटिव वाली वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, इसलिए दोनों क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट नंबर फोर। इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये रहा और ये क्या है? पॉजिटिव है, और y एक्सिस नेगेटिव है, तो y एक्सिस ये है और इसके नंबर्स क्या है? पॉइंट्स नेगेटिव, तो इसके क्वाड्रेंट फोर के प्लस एंड माइनस है, राइट? ओके, नेक्स्ट है प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ। हाउ यू कैन प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑन अ ग्राफ यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स इज द एब्सिसा एंड वाई इज द ऑर्डिनेट। अब देखिए देखने में तो लग रहा है पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सी व्हाट व्हाट इट हैज बीन रिटन। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं 2D में, तो पहले एक्स एक्सिस के होते हैं, फिर वाई एक्सिस के होते हैं, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एब्सिसा। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एब्सिसा। एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके ओके, नाउ सी, दिस इज द एब्सिसा एंड दिस इज द ऑर्डिनेट। अच्छा यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स जैसे कि मान लीजिए ये, ओके नेक्स्ट में करते हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, तो लेट्स टेक वन स्लाइड हियर। ओके नाउ सी, मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ली है, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि एब्सिसा ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने। ओके तो मैंने ये यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस के प्लस पॉइंट्स हैं पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है, यहाँ पे पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, ये वाली वाई एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगे एंड नीचे की तरफ क्या होंगे? नेगेटिव, ठीक है। अब सी,
अगर मैंने आपको बोला कि यू नीड टू लोकेट द ऑब्जेक्ट हुज कोऑर्डिनेट्स आर लेट्स से 4 2, तो आपको ड्रॉ करना कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, अगर कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 2 है, तो मींस देखिए ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, मींस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रही है, 4 यहाँ पे, ठीक है। एंड वाई की कहाँ पे है, 2, तो ये रहा वाई का 2, तो देखिए ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे वाई का 2 एंड एक्स का 4, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑन दिस पोजिशन, ओके राइट। सो नेक्स्ट लेट्स टेक, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं -2 -3, ओके, तो -2 एक्स एक्सिस का तो ये रहा और वाई एक्सिस का ये रहा, तो देखिए ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, -2 -3 यहाँ पे करें, तो ये क्या है, इस पॉइंट का इस इन कोऑर्डिनेट्स पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये है, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी और दिस इज द ए, ठीक है। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में सेकेंड होता है, एंड दिस इज द थर्ड वन, और थर्ड में हमने किया था दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होते हैं, तो देखिए ये क्वाड्रेंट्स क्या है, -2 -3, ओके। अब देखिए अगर हमारे पास है -1 -3, सॉरी -1 +3, ओके, तो एक्स एक्सिस पे -1 ये रहा एंड वाई एक्सिस पे ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे करेगा -1 -3, तो ये है सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है -1 3, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ नेक्स्ट इफ यू हैव 1 एंड 2 लगा लीजिए, 2 एंड -4, तो एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा और वाई एक्सिस पे ये रहा, तो ये या कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पोजीशन पे, तो -2 -4, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस होती है। कोऑर्डिनेट्स को पहले एक्स एक्स वाई लिखते हैं, एंड एक्स इज कॉल्ड द एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।